करके आना चाहिए कि मुझे अपनी जीवात्मा का कल्याण करना है, यहां से छुड़ाना है, जरा मरण से इसको बचाना, तो खान पान ठीक करो, शाकाहारी रहो, सुधार करो, असुधार कभी मत करो। बुद्ध नाशक वस्तुओं का सदा क्या करो, ये दो चीजें ध्यान में रखो, बाकी फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाती। संग दोष अति खराब, जैसा संग मिलेगा उसका असर जरूर होगा, अच्छे का अच्छे बुरे का बुरा। तो कान पान ठीक रखो, इन चीजों से अशुद्धार से बचोगे तो बड़ा लाभ होगा। अब सब लोगों की अगर प्रवृत्ति हो जाए उसी काम में तो दया क्या आएगी, दया का तो फिर नाम नहीं, इसलिए हृदय में फिर दया नहीं रहती है। अपना जैसा सबको समझना कि भाई हम भी जीव है, हमें भी सूरत है, हमें भी जीवात्मा, और दूसरे में भी सूरत है, उसमें भी जीवात्मा, हमको भी तकलीफ है, उसको भी तकलीफ है। ये बात जब अशुद्धार करोगे तो ये बात नहीं समझ में आएगी, जब ये समझोगे हमको तकलीफ होती है दूसरे को नहीं होती है, इसलिए हिंसा करोगे तो हिंसा का फल अति दुखदायी है और बहुत ही घोर नरकगामी होता है, इसलिए खान पान बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सत्संग में आओ एक बात पकड़ो, चलो दोबारा आना दूसरी बात पकड़ लेना, तो आप अगर नहीं पकड़ोगे तो आपको मिलेगा क्या, फिर साधन भजन कर नहीं सकते हो, आते ही चिल्लाते हो कि हमको नामदान दे दीजिए, हमको उपदेश दे दीजिए। उपदेश का मतलब है कि भजन करना, तो आपने पक्का इरादा किया है कि हम भजन करेंगे तो थोड़ा सत्संग सुन लो, क्योंकि सत्संग सुन लोगे तो भजन करने में मजबूत हो जाओ, और सत्संग नहीं सुनोगे खाली मतलब ये नामदान के लिए तो उससे कुछ नहीं होगा, वो फिर आप भजन नहीं कर सकते हो। सत्संग सुनने से भजन होगा, नामदान लेने से भजन नहीं होता। तो हमने बहुत, हम तो यही काम करते ही बहुतों को देखा, बहुत लोग आए कहते हुए नामदान ले गए, अभी तक नहीं आए, दो दो चार चार पांच पांच दस दस वर्ष हो गए भी नहीं मिले। तो उनको इस बात का बोझ नहीं है कि मुझे भजन कर रहा है, वो तो आए थे चिल्लाया, उस समय पर ख्याल आया चलो, तो उस तरह का नामदान नहीं है कि बस ले लिया उसके बाद जीवन भर कभी नहीं मिले, तो जब सत्संग मिले तभी थोड़ा मिले, इसके बगैर काम नहीं होगा, सत्संग के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। इसलिए सत्संग पहले, बाद में नामदान और बाद में भजन। सत्संग नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं, कोई चीज स्थिर नहीं रहेगी, सत्संग मिलने से ही स्थिर हो जाएगा। जब नामदान लोगे तो भजन करते रहोगे, फिर हो जाएगा, मेरी इच्छा हो जाएगी और करें, तो जितना ही आप सत्संग करोगे उतना ही आपको फल होगा। सत्संग लगाने सत्संग लगा तो सूख जाओगे, सत्संग है जल, वो जैसे क्यारी में पानी सूख जाता है तो पानी चाहिए,
ऐसे मनुष्य रूपी हृदय में सत्संग नहीं मिलेगा तो जल नहीं मिलेगा, तो आप हरे भरे नहीं होंगे तो भजन नहीं बनेगा, सूख जाएगा। पौधा जब सूख जाता है निरस हो जाता है, उसमें हरा भरापन नहीं रहता। ऐसे ही मनुष्य में भी हरा भरापन, विवेक नहीं रहता, विचार नहीं रहता भजन करने का, सत्संग सुनने का। ऐसे तो बहुत आए, बहुत लाखों, एक दो की नहीं मैं संख्या बताता हूं, लाखों की, लाखों आए और चले गए और यही कहते हुए नाम दान लेंगे, तो दाम दान ले दिया और चले गए, उससे कुछ नहीं होगा। वो तो आए और गए, आए और फिर फंस गए उसमें, उस जाल में, तो और भी दंड मिलेगा, फिर अति दंड, फिर उनको कोई पकड़ नहीं सकता, अधिकंड मिलता है। इसलिए सत्संग पहले और बाद में नामदार, बाद में भजन, ये सब चीजें बात की। पहले सत्संग, सत्संग से सब गुण आते हैं, सत्संग से भाव जगेगा, निर्मलता आएगी, सत्संग से अच्छे बुरे की पहचान होगी। सत्संग करोगे क्या करना क्या नहीं करना ये आपको मालूम होगा, सत्संग से कैसे गृहस्थी चलाना है वो आपको पता चलेगा। सत्संग नहीं मिलेगा तो कुछ, इसलिए ऐसा कभी मत करो। सत्संग पहले से दो दिन, चार दिन, दस दिन, जब आए तो दोबारा लो, फिर सत्संग सुन जाओ, फिर सत्संग जाओ, जब एकदम से मन निर्मल हो और मतलब जब इच्छा जग जाए कि मुझे भजन करना, तो फिर लो, कच्चे पन में मत लो। आए चले ना मत के हमने बदल लिया, 20 साल हो गए, पहले हमने 20 साल पहले नामदान दिया था, अब 20 साल ये भी से कोई नामदान का कोई काम किया, कुछ नहीं किया 20 साल। आप माफ कर दीजिए, अब बताओ 20 साल हो गए और 20 साल में कभी दर्शन ही नहीं, तो बताओ क्या अपने को मनाएगा और क्या मानेगा किसी को। इसलिए तो हर साल का महत्व कहते हैं भाई बार बार करो, अगर बार बार नहीं समय मिलता तो सुबह शाम करो, सुबह शाम नहीं मिलता समय तो एक बार, अगर आदमी दूर है तो एक हफ्ते में एक बार, और दूसरे तीजे चौथे पांचवें सातवें दिन समय नहीं मिले 15 दिन में, और 15 दिन के नहीं मिलते महीने में, और महीने में ले मिले 3 महीने, और 3 महीने में अगर उसको समय नहीं मिलता तो 6 महीने, और 6 महीने में भी तो साल भर में। कहते हैं कि फिर उसके बाद ताबो लागे दोष, फिर उसका कोई छुटकारा नहीं हो सकता। साल बीत गया उसने नहीं मिला जुला, दर्शन नहीं दिए, दर्शन नहीं किए, तो फिर उसका दोष लग गया उसको, जैसा पहले था वैसे हो गया। इसलिए सत्संग से ये सब चीजें मालूम होंगी, वैसे नहीं मालूम। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो शाम को भी सत्संग होगा और कल भी सुबह होगा, कल 6:30 बजे, अभी तो 6 बजे होता है, साढ़े आधा घंटा बाद और जला उजाला हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो सत्संग कल होगा 6:30 बजे, बाकी जो समय हो तो 6 बजे का है ही, क्योंकि आप सेवा कर रहे हो ना सब, थोड़ी बहुत सेवा का कार्य भी हो जाता है समय से, और सत्संग भी मिल जाता है। कल 6:30 बजे सुबह, और शाम का तो टाइम वही है, आपका ठीक है समय। अच्छा बोलो जय जय गुरुदेव। अच्छा बैठ जाओ भजन पर, गुरुदेव।
युकना ना पड़े स्वामी सिर उतार के हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, सेवा पीछे दीजिए। चलो माता सीधे बैठिए, हाथ जोड़ के प्रणाम करो, पैर में हाथ कोई नहीं लगाओ, पैर मत पकड़ो, पैर मत पकड़ो, पैर मत पकड़ो, पैर मत पकड़ो। अपने डेरों से शरीर अनमोल है, थोड़े दिन के लिए आपको मिला, इसमें विशेष कर जो आपको दी गई वो बुद्धि दी गई, क्योंकि पांचों तत्व इसमें पूरे हैं। हमको ये सबको सोचना चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो चल के ही तो जाते हो, किससे? शरीर से। यहां से जाओगे तो चल के जाओ, पैदल जाओ, किसी सवारी से जाओ, लेकिन चल के ही जाओ। पैदल जाओगे तो जीवात्मा सुरत शरीर पर तो बैठी हुई है, शरीर ले जाए, पहले शरीर को किसी में बैठा दो तब भी उसमें बैठी, लेकिन चल के जाना पड़ेगा, बगैर चल के गए हुए वहां नहीं पहुंच सकते। अब ये शरीर हम देखते हैं कि है, और रातों रात सो रहे तब तक खबर बगल में आई, घर बच्चा नहीं रहा, अरे स्त्री ने घबरा के उठे और देखा, बहुत बुलाया, कौन बोले? बोलने वाला तो जो था वो तो चला गया, वो तो चेतन था, वो तो निकाल दिया,
अब ये सोचना चाहिए कि वो कहाँ गया। इसी की जहां खोज सबको करनी चाहिए कि वो कहाँ चला गया। यही अगर खोज करो तो कोई ना कोई आपको मिल जाए, लेकिन ये तो कुछ खोज करते नहीं हो। जो किताबों में लिखा है काम क्या भाई, वो तो स्वर्गवास हो गया, तो स्वर्ग भी तो कहीं होगा। उस स्वर्ग में जाना वो भी तो चल के ही जाना है, ऐसे यहां से ऐसे तो नहीं पहुंच जाएगा, वो तो चल के ही जाएगा। लेकिन जब वहां गए नहीं तो वहां जाओगे कैसे? आप इस शरीर से दूसरी जगह नहीं गए तो वहां कैसे पहुंच सकते? ऐसे ही जीवात्मा, क्योंकि वहां स्वर्ग में शरीर तो है नहीं, ये आपका पंचभौतिक शरीर नहीं है, पांच तत्व का। वहां जल नहीं है, अग्नि नहीं है, वायु नहीं है, आकाश, इसमें से कोई भी मसाला स्वर्ग में नहीं है, तो आप कैसे जा सकते? वहां उसके जाने के लिए कोई रास्ता है, तो जब आपके खोज करो कि वो कहां गया, हम कौन है वो कौन है, वो कहां गया और हम यहां कहां से आए, ये सोचना चाहिए। क्योंकि बच्चा भी जन्म लेता है तो कहीं ना कहीं से आता है, तो ये कहां से आया, हम कहां से आए, हमारे सामने जा रहा है ये कहां चला गया, इसलिए खोज करो तो कोई ना कोई जानकार मिल जाए। तो हम खोजो तो कुछ करते नहीं, जो कहावत चले आ रहे हैं उसी को बस बहुत नहीं है बस। ये तो भूल भुलैया है, भूल गया और थोड़ी देर भाई माया ममता में इसी में आप फंस गए। आपने कभी के लिए पूछा भी नहीं। तो सही बात यह है कि जहां भी जाना चल के जाना, वैसे नहीं पहुंच सकते। ये सूरत अपने घर से आई है, ऊपर से आई है तो सब लोगों को पार करते हुए लाई गई। ऐसा नहीं कि आंख उसकी बंद कर दी और सीधे ही ले आई, यहां छोड़ दिया करके, ऐसा नहीं। उधर से आई सब देखती हुई है और जब भी जाएगी तो इधर से सब देखती हुई जाएगी। जहां स्वर्ग है उसको भी देखेगी, वैकुंठ है उसको भी देखेगी, ईश्वर का लोग उसको भी, ब्रह्मांड उसको भी देखेगी, ऊपर है उसको, पार ब्रह्मांड को भी देखेगी, देखती हुई जाएगी, देखती हुई आएगी। अब यहां आ गई तो भूल पड़ गई। आपको इतना सामान दिया गया, हर तरह का सामान शरीर के लिए, कि आपका ध्यान रखते इसको उठाकर ये रखा, इसको उठाकर ये, इसको उठाकर ये, इसी में आपका ध्यान बट गया, सुख सुविधा में बट गया। जब ध्यान उधर से बट गया तो आपका उधर से टूट गया, ज्ञान टूट गया, जो बोध था वो अब इसमें फंस गया। इसको इधर ये मेरा है, तेरा है, इसी को लग गया तो रास्ता गए आप। जब रास्ता भूल गए तो कोई चाहिए, क्योंकि ये तो अपना भी घर नहीं है, यह आपका भी नहीं, यह किसी का घर नहीं है। कोई भी आया उसका घर है तो परदेश है, और जहां घर है वहां पहुंच नहीं पा रहे। और बहुत मेहनत करो, बहुत परिश्रम करो, बहुत तप करो, बहुत दान पुण्य करो, बहुत अपने शरीर को गला दो, सब काम करो तो आपको स्वर्ग मिल जाए। लेकिन फिर भी तो आप आ गए वापस लौट, फिर वही सदरने तक वही सामान फिर मिल गया आपको, कम और ज्यादा तो उसी में रखने में फिर मिल गया, वहां भी नहीं फिर जा सकते। इस तरह से सुनते जितनी भी आई है सब सामान पा करके इस मनुष्य शरीर में भूल गए और शरीर का सामान पाया। इसमें कोई सूरत का सामान या सूरत का धन इसमें नहीं है, ये जो कुछ भी है शरीर संबंधी है। जिस तत्व का शरीर है उसी तत्व का सामान है, तो उसी के धन में लग गया। आप छोड़ भी रहे हो, जबरदस्ती पकड़ रहे हो, यदि ये आपको मालूम होता है छोड़ो के लिए कि हमारा नहीं है, यहाँ कोई हाथ नहीं लगा सकता, ले नहीं जा सकता, जा नहीं सकता,
कोई कहेंगे हम ले आएंगे या ले जाएंगे, कोई कुछ नहीं ले जा सकता। ये सब सामने बिल्कुल देख रहा और आपको इतना बोध होता है थोड़े समय के लिए, लेकिन इससे बेहतर ये उस माया का आवरण है। जैसे किसी तालाब में बहुत काई फैली हो और पानी पानी दिखाई देता हो तो आप क्या करोगे, घड़े को जोर से मारोगे उसमें, जैसे ही मारोगे तो काई फट जाएगी, काई फट जाएगी पानी दिखाई देगा, घड़ा उसमें बोर दो और पानी भर लो, जैसे ही घड़ा ऊपर आया फिर काई बराबर हो गई। ठीक आवरण इसी तरह से है। महात्माओं का जब आपको सत्संग मिलता तो बिल्कुल ऐसा मालूम होता है काई फट जाती है, यानी कर्मों के पर्दे फटते हैं तो उस वक्त में आपको बोध होता है, और जैसे ही जरा सा हटे सामने से तो फिर वैसे ही हो जाता है, फिर सुन हो जाता है, अबोध हो जाता है। ठीक यही दशा है। सब महात्माओं ने अपने अपने समय काल जब जब वो आए जीवों को सब बताया, ये नहीं कि विधि उनकी भाषा कुछ भी रही हो लेकिन विधि एक ही रही, रास्ता एक ही रहा, उस समय की भाषा का जो जैसे विद्या की भाषा हो, शहर की भाषा हो, मिली जुली भाषा हो, तो वो तो उन्होंने उसका किया, जैसे संस्कृत थी पहले हिंदी नहीं थी, उसी संस्कृत में से हिंदी निकली और संस्कृत में से अंग्रेजी निकली, संस्कृत में से फारसी निकली, हर एक भाषा संस्कृत में से निकली, तो बस यह है कि आपने उसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, अब वही भूल गए जो अपनी भाषा थी, क्योंकि वो तो भाषा सर्वदेश में एक ही भाषा थी और उसका एक ही उच्चारण एक ही था। अंग्रेजी में भी वो उच्चारण होता है और फारसी में भी और अरबी में भी वो उच्चारण होता, और संस्कृत में बस वो जो देव आपने सरल कर दिए उसका उच्चारण फुटकर हो गया, इसलिए आप तो महात्मा कभी किसी समय पर भी आए उस समय की जो भाषा होगी जो प्रचलन में आएगी वो लोगों को बताएंगे, और बाद में उसमें कुछ तरमीम कुछ अदलाव बदलाव हो गया तो जो आएंगे वो फिर बताएंगे आकर, उसमें हो सकता है, लेकिन रास्ता तो एक ही है और दूसरा रास्ता कोई कहेगा भाई वो महात्मा आए थे 500 वर्ष पहले तो ये बता गए, रास्ता एक ही, एक ही आने का एक ही जाने का, मोटी बात। और रात को एक टेलीफोन आया कि हमारी ये समझ में नहीं आया घाट किसको कहते हैं, ये दोनों आंखों के बीचों बीच में सूरत बैठी है, उसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हुए, उसी को घाट कहते हैं, उसी को दरवाजा कहते हैं, उसी को हरि का द्वार कहते हैं, उसी को मतलब है तिल कहते हैं, उसी को तीसरा तिल कहते हैं, उसी को एक ही चीज को अपने अपने समय का वर्णन कर दिया। आज्ञा चक्र इसलिए हृदय चक्र, इंद्रिय द्वार, नाभि कमर, हृदय, कंठ और छठवा जहां सूरज बैठी है उसको छठा चक्र कहते हैं, और सीधा सीधा तो अपने अपने समय में बता दिया, लेकिन घाट कहते हैं दरवाजा गेट, उसी को गेट कहो, उसी को दरवाजा कहो, उसी को फाटक कहो, कुछ भी कहो, उसी को आप तिल कह लीजिए आप, लेकिन अब यह है कि समझाने की उसी के चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हुए, तो उसको इधर बजाने दो, इंद्रियों की तरफ नीचे मत उतरने दो, उसी सूरत के साथ लगा दो, जो देखने का काम और सुनने का काम वो सूरत करने लगे, और लग जाएगा तो सुनने लगेगा देखने लगेगा, क्योंकि मन की मदद चित्त की मदद बुद्धि की मदद उसको मिलना चाहिए, क्योंकि पर्दा सब इन्होंने भाग दौड़ करके जमा किया, गंदगी तो इन्होंने जमा की है लेकिन वो घाट नहीं समझ में, अब घाट नहीं आप समझ पाते हो, और कहते हैं कि जैसे बाहर आंखें बंद कर ली तो आंखों के बाहर का घाट तो ये, अच्छा आंख खुलेगी तब तो दिखाई देगा, ये पर्दा नहीं हटेगा तो कैसे दिखाई देगा, अब ऐसे वो पर्दा पड़ा हुआ कर्मों का गंदगी का पर्दा पड़ा, खुलेगा तब तो अंदर दिखाई देगा, ये भी तो एक गंदा पर्दा है, ये बाहर से बंद कर लिया भी कुछ दिखाई देगा, अब जैसे बाहर की आंखों पर गंदगी आ जाती है देखना बंद तो गंदा ही पर्दा तो है, तो डॉक्टर के पास जाते हो भूली हो गई, ये हो गया और वो हो गया, इसमें जाला मारा आ गया, तो उसको साफ कर देता है तो दिखाई दे सकता, लेकिन उसकी भी तो तरकीब है,
कुछ समय लगेगा, कुछ दवा डालेगा, कुछ उसकी गंदगी निकालेगा, साफ करेगा, कुछ मतलब बताएगा, युक्ति बताएगा। तो ये इसी तरह से महात्मा बताते कि जैसे बाहर ऐसे अंदर की आग, वो आग चेतन आग है और ये आग जड़। इसमें जड़ का मतलब बोध होता लेकिन प्रकाश सूरत का, क्योंकि प्रकाश वो अगर नहीं देगी मतलब ये है कि तारों में तो फिर सामने देख नहीं सकते हो। प्रकाश जब सिमट जाएगा उसका तो फिर नहीं आपको दिखाई देगा, वो प्रकाश देगी तो आपको दिखाई देगा। ऐसे ही अंदर में उसके ऊपर में जो आवरण आ हुआ वो तार ऊपर के उसके मतलब ये है कि गंदे हो गए, इसलिए उसको ऊपर से दिखाई नहीं देता। तो जैसे बाहर देखते हो आंख खोल के, ऐसे ही आंख खोलो और अंदर देखने लगो तो अंदर दिखाई देने लगे। अंधे आदमी को खड़ा करो, अभी यहाँ दो चार दिन वे अंधा आया, तो भाई तुमको बाहर तो दिखाई देता है, कह रहे बाहर तो नहीं दिखाई देता, तो फिर तू अंदर भजन करता कुछ दिखाई सुनाई देता, अंदर से देता, अंदर से देता। जैसे बाहर की चीजें देखते हैं ऐसे अंदर से देखते, वो कैसी है कहते तो वो तुम्हारी आनंददायक है, बहुत आनंद है ऐसे अंदर में। तो कह रहे हैं कि हाथ पर इधर की आग इनको बंद करो, उलट दो अंदर की आग, उलटने का मतलब ऊपर देख रहे, ऊपर की तरफ में ये नीचे देख रही दोनों आगे और अंदर की एक आग ऊपर देखेगी। तो बात तो समझाने की अपनी युक्ति एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। वही उन्होंने कहा था व्यास जी ने, ये बड़ी आदर्श यानी पुरुषों की बड़े लोगों की मूर्तियां बना लो, जिनको उन्होंने समझा आदर्श पुरुष है ये धार्मिक है, ये है उनकी मूर्ति बना दी। और पहले मोटी आग वाली बनाई, बड़ी ऐसे पतली आग नहीं बड़ी आग थी, तो बना दिया और कहा एकांत में उसकी स्थापना करो, वहां इनको रख दो और वहां जाओ जंगल में, इधर उधर कोई आदमी ना हो, ऐसे बैठ करके अपनी आंखों से उनकी आंखों पर दृष्टि जमा एक टक होकर, ऐसे दृष्टि जमेगी, जब दृष्टि हिलेगी हिल्ला डुल्ला बंद करेगी, फट से आग बंद कर लेना, अंदर की आग खुल जाएगी। ये अंदर जाने का उपाय युक्ति बताई थी उन्होंने। तो कुछ दिन तो लोगों ने किया, लोगों को लाभ हुआ, और उसके बाद में बस थोड़े दिन के बाद लोग भूल गए उसको, क्योंकि वो चले गए बस भूल गए। फिर ले आए उनको गांव के करीब में, फिर और गांव के, फिर मोहल्ले में ले आए, फिर घर में ले आए, अब यहां करने लगे। वैसे एकांत के लिए कहा था कि एकांत में ये साधन होगा तब दृष्टि उलटेगी, तब तुम्हारी दृष्टि एकाग्र होगी, और जब एकाग्र हो जाए तो इन आंखों को बाहर की बंद करो और अंदर की आग देखो तो आग खुल जाएगी। सर तो युक्ति उन्होंने बताई थी, उपाय तो ये बताया था अंतर दृष्टि खोलने का, और आपने बस शुरू कर दिया मनोरंजन, तो वहां तो दृष्टि को ठहरने का काम भी नहीं हो रहा, तो क्या करोगे आप? महात्मा ने बताया तो सब कुछ है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर रहे। अब जरा सा आप सुनो, हम कहां थे और कहां से आए और अब कितनी दूर पड़ गए, कहां के थे कहां से आए और कहां आ गए, अब अपना घर यहां से कितनी दूर है वो समझने की बात, और जरा सब सुनो आप थोड़ा ध्यान देकर। तो गोस्वामी जी महाराज ने ये सब कुछ अपने गांव में और राजापुर में जहां जन्मे थे वहां ये सब कुछ जान लिया, और वो मतलब है काशी चले गए। काशी, काशी कहते हैं वाराणसी, बनारस काशी चले गए। वहां उन्होंने अपना उद्देश्य ये जीवात्माओं को जगाने का शुरू किया। तो उन्होंने वही यहां तो उन्होंने संकेत दिया कि हमने जो वस्तु प्राप्त की है वो वहीं पर प्राप्त कर ली थी, लिखा हुआ कहा उन्होंने प्राप्त हुआ किया था और लिखा है काशी में जाकर के। तो जरा सुनिए बड़े ध्यान से, बोलो पूछा गया, बोलो तुलसी कहत बुझाई, कर्मा धर्मा सब सुनो। अब इन्होंने रब पूछा कि भाई हम कहां के रहने वाले, हमारा मालिक कौन है? जब सत्संग सुनते 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 जब इतनी प्रखर इतनी मतलब विवेक बुद्धि आई,
तो कुछ तो है कर्मा धर्मा जिन कह रहे हैं सब, हम कहां के रहने वाले, कैसे आए, आपकी दया कृपा हो जाए तो थोड़ा सा सुना दीजिए। तो बता रहे हैं समझा के, पहले बुझा करके बता रहे हैं, बुझाने का मतलब दिखाना, वो दिखा के बता रहे हैं, ऐसे नहीं कैसे बता रहे, बोलो आगे कहूं लखाई मोक्ष विधि दर्शाई। कहते हैं कि भाई मैं तुमको ये बताऊंगा कि आगे जो रास्ता चल रहे हो तो आगे क्या है, क्योंकि मुक्ति कहाँ होती है, लोग तो मुक्ति मुक्ति करते हैं, मुक्ति का कोई स्थान स्वर्ग वैकुंठ में तो है नहीं, ईश्वर के लोक में तो वहां है नहीं, और ब्रह्म के भी लोक में नहीं ना ब्रह्म स्थान पर। कहते हैं कि भाई मुक्ति भी दर्शाऊंगा और लिखाऊंगा, लगाने का मतलब दिखाऊंगा, देखिए मुक्ति है। कर्मा धर्मा तू चिंता क्यों करता, मुक्ति तुझे दर दिखाऊंगा लिखाऊंगा बताऊंगा तुझको मुक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे देखी जाती है और कहां मुक्ति जीवों को मिलती है। सुनते जिस मुक्ति स्थान पर पहुंचती हो कहां है, ये गोस्वामी महाराज ज्ञानियों को बहुत विधि विधान के साथ समझा रहे। बोलो काहे तुलसी सोने अगम संदेशा आदि अंत दर्शाऊं देशा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हुए रहते तो हम जमीन पर है या हमें यहां अवंत हो गया और वहां आद है और वहां आद है यहां अंत हो गया। कहते अब तू रहते तो हम यहां पर, तो मैं यहां से वहां तक सब तुझे बताता हूं दर्शाता हूं तुझको, और फिर यह है कि तुझको जब ये दर्शाऊंगा बताऊंगा तुझे लिखाऊंगा भी दिखाऊंगा, क्योंकि वो दिखाने की बात है कि दिखाऊंगा तुझको। अब तू सुन उसको अच्छी तरह से, चेत करके सुन, जाग करके सो के मत पुनः बोलो। जब नहीं प्रथम रहे एक पुरुष नामा चौथे पद के पार। अब वो गोस्वामी महाराज इशारा करते हैं जिनियों से कि देखो भाई कर्म धर्म पहले एक था, वो पुरुष का नाम था, उसका नाम ही अनाम है, अब भी उसका नाम एक ही था, वो कहते हैं था का चौथे पद के पार, चौथा पद सतलो, कहते हैं उसके पार था, वो अनाम था, एक था, पहले तो चौथा पद भी नहीं था, और ये जब चौथा पद नहीं था तो यहां तो कुछ होगा ही नहीं, पहले तो वही था, लेकिन वो बता रहे हैं कि देख यहां यहां रहते हो तो अब मैं बताता हूं कि भाई वो अनाम एक था लेकिन वो चौथे पद के पार है, वहां चौथे पद में नहीं मिलेगा ना इधर मिलेगा, वो पार जाओगे तब मिलेगा वो। तो कहते हैं मैं उसकी पूरी की पूरी आपको विवदान के साथ विवरण के साथ तुझे बताता हूं पहले कौन था। बोलो जब नहीं रहे गगन बाकाशा चंदा सूरज नहीं पर का। भाई देख कर्मा धर्मा ये सूरज ये चांद ये तारे ये जमीन ये मतलब जल ये मतलब ये है कि आपके वायु ये अग्नि कहते हैं वहां ये कुछ नहीं था, कुछ यहां कुछ नहीं था, कोई चीज यहां थी जब ये नहीं था ये बताओ तो आप किस पर रहोगे, अरे आप कहां रहोगे क्योंकि यहां तो कुछ था नहीं, टिकना कैसे होगा, जब है जमीन पर जमीन होगी तब आपका ये शरीर होगा तो इस पर टिकोगे आप। तो कहते हैं आसमान भी नहीं था, अच्छा कहते हैं चांद भी और सूरज भी नहीं थे प्रकाश करने वाले, ये कुछ भी नहीं था पहले यहां कुछ भी, वो अकेला था। बोलो क्या धरती अग्नि न पवन निवास पानी जग रहे नहीं। कहते जगत में कोई पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जब जल नहीं था थल नहीं था ये कुछ भी नहीं था, तो कहते कोई नहीं था न कोई जंगल न कोई पहाड़ थे, कहते कुछ था ही नहीं। अब देखिए अभी संवत 1589 में जल हुआ
और 1614 में काशी गए। अभी तो इन्होंने लिखा ही और कोई ज्यादा दिन की बात थोड़ी है, थोड़े दिनों के बाद दो पीढ़ियां खत्म हो जाए, नौ समय आ गया और क्या। तो कहते हैं कि पहले ये कुछ भी नहीं था, यहां कुछ था ही नहीं। बोलो पेंड ब्रह्मांड लोक नहीं होई और अलोक विधि नहीं सो। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देखो कर्मा धर्मा ये शरीर नहीं था, अंड लोक नहीं था और ब्रह्मांड लोक नहीं था, कहते हैं कुछ नहीं था। जब ये नहीं होगा तो वो अंड और मतलब ब्रह्मांड कहां से आ जाएंगे, यहां था ही नहीं कुछ, यहां में नहीं था, ऊपर में भी कुछ नहीं था, कहते कोई चीज यहां पर नहीं थी। बोलो हाँ। चौथा पद रचना नहीं छानी ताके आगे पुरुष ना। अब वो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज देख कर्म धर्म चौथे लोक की जो सतलोक है कहते हैं उसकी भी रचना, अरे उनकी मौज नहीं, उस वक्त रचना नहीं की थी वो, चौथे पद के पार अनामी। तो कहते हैं पहले वो अनामी था, चौथे पद की भी रचना नहीं हुई थी, सतलोक की भी रचना ही जहां सतपुरुष है उनकी भी रचना नहीं हुई। तो यहां तो कुछ होने वाला नहीं, क्यों कि ये तो सब कुछ इतना भी हुआ, ये तो सतलोक से सब कुछ हुआ, ऊपर से तो हुआ नहीं। तो कहते हैं सतलोक भी नहीं था, कहते हैं वो सतपुरुष भी नहीं थे, उसकी भी रचना का कोई मतलब इंतजाम नहीं था, ये मौजी नहीं थे, उस वक्त रचना ही नहीं उन्होंने की थी, वो तो अनामी थे सब। बोलो सासुलहर सत साहिब भयउ सत्य नाम संतन ने। अब कहते हैं कि जब उस अनामी पुरुष की मौज हुई तो उनकी लोर से उनकी मौज से कहते हैं सब साहब यानी सत्य जिनका नाम सतनाम है वो उन्होंने स्थापित किए। सर अनामी पुरुष की मौत से ही सत्य वो सत्य देश में सतलोक में सचखंड में वहां उन्होंने उनको स्थापित किया। उनके पहले तो वहां भी नहीं था और नीचे तो कुछ होता ही नहीं। कहते हैं कि रचना उसी अनामी पुरुष की ही मौत इच्छा से थी, उनकी रोड से अब शुरू होगी। बोलो या की विधि विधि गति गाई बिना सत्संग नहीं दर्शन। कहते हैं कि भाई जब तक सत्संग नहीं मिलेगा उन महापुरुषों का जो वहां आते और जाते हैं जिनको पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया, कहते हैं कि जब सत्संग नहीं मिलेगा तो बेचारे कोई नहीं होगा, अगर सत्संग मिल जाए तो ये पूरी विधि उसकी गति उसकी पहुंच उसका विस्तार यानी किस तरह से हुआ और कब था कब से हुआ ये सत्संग से मालूम होगा। जब तक सत्संग महापुरुषों का नहीं मिलेगा तब से नहीं, अच्छा 700 वर्ष पहले कोई संत थे नहीं, कोई आदमी कहे कि 700 वर्ष पहले संत आए नहीं, उन 700 वर्षों के अंदर आए तो वो कौन सा समय था कल झुकता है, अभी इन्होंने बताया, पहले तो किसी ने बताया नहीं, वेदों शास्त्रों में तो है नहीं, पुराण में पुराण में तो है नहीं है, ये तो अभी संत आए तब उन्होंने बताया, अभी फकीर आए तब उन्होंने कहा, इसलिए फकीरों की जो किताब है संतों की है उनसे मेल खाती नहीं। वो कहते हैं कि नहीं ये हम नहीं मानते, अरे वो तो कहते हैं हम इसको ही मानते, आप कहते हैं हम इसको ही मानते, क्यों आगे का तो आपने जाना ही नहीं, उसको देखा ही नहीं और तुमने ये भी नहीं देखा जो इसमें लिखा है वो भी नहीं देखा, तो आप मानोगे कैसे, तो आग के अंधे और गांड के पूरे तो क्या करेंगे, जब बुद्धि में नहीं है जब आत्मबोध ज्ञान नहीं तो कुछ नहीं है। तो कहते हैं कुछ सत्संग के बगैर कुछ नहीं हुआ। बोलो हो सत्संग कहो सब लेखा खुले नहीं हृदय से। कहते हैं भाई जब सत्संग जब मिलेगा तो कहते हैं तब उसके हृदय का जो दोनों आंखों के बीचों बीच में यही तो उसका हृदय, कोई हृदय तो ये नहीं है न यहाँ गले में न इधर नीचे नाभि में, वो तो सूरत का जो हृदय है ये है,
कहते हैं कि जब सत्संग मिलेगा तो ये हृदय के तब वो नेत्र खुलेगा या फिर खुल सकता। और सबके पास यानी तीसरा नेत्र सबके पास है और सबका बंद है, और जब सबका बंद है तो संबंधे हाँ इतने संबंधे हो और एक अगर कुछ कहने लगे तो सब कहेंगे झूठा, वो देख रहा और वो मतलब देखते नहीं है, इसलिए कैसे प्रतीत आएगी, विश्वास कैसे होगा। तो कहते हैं जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक हृदय का नेत्र खुलेगा नहीं, वो युक्ति बताएंगे फिर हृदय को साफ करेंगे, शुद्धि करेंगे मन को बुद्धि को चित्त को अंतःकरण को, वो हृदय ही अंतःकरण जहां सूरत बैठी है उसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हैं तो उसको साफ करेंगे। और फिर यह है कि रोकेंगे इंद्रियों के घाट पर कि भाग भाग करके जाता है तो वहां से कुछ मिलता नहीं, तो उसको रोकेंगे और घाट पर लगाएंगे।